We need help, and we need it right now. कोहली जी, आपको जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से यमन में गृह युद्ध के कारण हालात बहुत संवेदनशील थे। हजारों विदेशी नागरिक, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी थे, इस हिंसक गृह युद्ध के बीच फंसे हुए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार ने इन फंसे हुए भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को उनके देश सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा उठाया, और ऐसे जन्म हुआ ऑपरेशन राहत का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हम थैंक यू करेंगे, बिकॉज़ उन लोगों ने हमारे को जो है, दे हेल्प्ड अस इन इवैक्यूएटिंग। ऑपरेशन राहत के तहत न केवल 4,500 से ज्यादा भारतीयों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला गया, साथ ही 900 से ज्यादा विदेशियों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। I absolutely can't say enough about the Indian government for helping us to get out of Yemen. Thank you very, very much. मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत की कमान जनरल वी के सिंह को दी। This rescue evacuation is really amazing. मैं अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय रेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस साहसिक ऑपरेशन को देखकर 26 देशों की सरकार ने अपने नागरिकों को यमन से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी। We're getting word that the U.S. now saying that the government of India, which has been flying these emergency planes in to try to get some of its citizens out, other international citizens out, the government of India is now telling the United States they will help get some American citizens out of Yemen right now. What does it say to you that India is capable of doing this, but maybe the U.S. isn't? I'm very appreciative of you, and I'm very well treated and looked after, and I'd like to thank the Indian people for bringing us home. Thank you very much. ऑपरेशन राहत की सफलतापूर्ण समाप्ति के चलते भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक की छवि को बरकरार रखा है। The Indian embassy did a highly commendable job, and we appreciate what the government of India is doing for us.